आज हम बनाएंगे भिंडी आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों की फेवरेट चटपटी आलू भिंडी की सब्जी। यहाँ मैंने छोटी वाली भिंडी ली है। भिंडी को अच्छे से पानी में 2 से 3 बार धोकर और सुखा के आगे पीछे के डंठल काट दिए हैं और इस प्रकार से सभी भिंडियों को तैयार करें। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को छील कर धोकर भिंडी के साइज़ का काट कर तैयार करेंगे। लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। जिस प्रकार से भिंडी है उसी साइज़ के हमें आलू के भी टुकड़ों में काट लेंगे। इस प्रकार से हमने आलू के टुकड़ों को काट कर तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल को गरम करेंगे। इसमें हमें आलू को फ्राई करना है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू को तेल में अच्छे से पकाएंगे जब तक आलू का कलर चेंज ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लें। बचे हुए तेल में हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। भिंडी को फ्राई करने से क्या है, भिंडी का चिपचिपापन दूर हो जाता है और हमारी कुरकुरी भिंडी बनेगी। भिंडी फ्राई हो गई है, अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में बचे हुए तेल में 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भूनने देंगे और 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर डालेंगे। आपकी कढ़ाई में यदि तेल कम हो तो तेल और भी डाल सकते हैं, पर मेरे में इनफ है। मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने रफली मोटा काटा है। प्याज को अच्छे से पकाएं। प्याज को भूनने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। प्याज भुन गया है, अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च के कटे हुए टुकड़े डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हमने आलू को फ्राई किया था, आलू डालेंगे और सभी को अच्छे से मिलाएंगे। प्याज और आलू अच्छे से पक गए हैं, अब भिंडी फ्राई की थी भिंडी को भी डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक सभी को अच्छे से मिला के और पकाएंगे। प्याज आलू भिंडी अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आप अमचूर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि हमारे सभी सूखे मसालों को
एक से दो मिनट तक और पकाएंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, सबसे लास्ट में हम नमक डालेंगे। आप एक चम्मच नमक, आप नमक कम बत्ती कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। भिंडी में सबसे लास्ट में हमने नमक डाला है ताकि भिंडी पानी ना छोड़े और कुरकुरी रहे। अब गैस की लो बंद कर देंगे और हमारी धनिया डाल के चटपटी आलू की भिंडी बनकर तैयार हो गई है। यदि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।